नमस्कार, आप देख राष्ट्र समाचार। शादी ब्याह के अवसर पर ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी करना यह एक आम बात हो गई है, पर क्या आपको पता है कि बिना परमिशन और लाइसेंस के ड्रोन उड़ाना बहुत बड़ा जुर्म है और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी है। आपका ड्रोन जब्त भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने बहुत पहले से ड्रोन के अनधिकृत संचालन पर रोक लगाई हुई है, जिसमें फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन भी शामिल हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ड्रोन को, चाहे उसका आकार या उद्देश्य कुछ भी हो, आसमान में ले जाने से पहले आधिकारिक अनुमति लेनी होगी। ड्रोन के बढ़ते उपचालन के तहत अब सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठा रही है। ऐसे ही भोपाल की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सीएम हाउस के पास के प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटोग्राफर द्वारा उड़ाए गए ड्रोन को जब्त किया गया। कई व्यक्ति, विशेष रूप से फोटोग्राफर और ब्लॉगर, आश्चर्यजनक एरियल फुटेज कैप्चर करने या लुभावी तस्वीर लेने के लिए छोटे ड्रोन का उपयोग करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें ऐसी मनोरंजन गतिविधियों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह धारणा गलत है और नए नियम स्थापित दिशा निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। इन चिंताओं को दूर करने और बढ़ते ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से मानव रहित ट्रैफिक प्रबंधन UTM सिस्टम जैसे सॉल्यूशन तलाश रही है। UTM टेक्नोलॉजी, जिसे अक्सर ड्रोन के लिए ATC टावर कहा जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन और लैपटॉप के माध्यम से संचालित होती है, जिससे ड्रोन ऑपरेटरों के लिए अपनी ड्रोन उड़ानों को रजिस्टर कराना, निगरानी करना और ट्रैक करना आसान हो जाता है, जिससे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। भारत में प्रमुख UTM प्रोवाइडर्स में से एक स्काई एयर मोबिलिटी के CEO श्री अंकित कुमार ने कहा कि हमने भारत की अनूठी जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक UTM तकनीकी डिजाइन की है। हमने इस तकनीक को उत्तराखंड सहित कई राज्यों में सफलतापूर्वक तैनात किया है। एक विश्वसनीय UTM सिस्टम का होना समय की मांग है, ताकि न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी ड्रोन उड़ाने के शौकीन कानून तोड़ने के डर के बिना अपने शौक का पूरा आनंद ले सके। कोई भी ड्रोन संचालक कुछ क्लिक के साथ अपने मोबाइल में स्काई UTM मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है और बहुत ही नॉर्मल चार्जेस देकर उसको इस एप्लीकेशन से सरकार द्वारा ड्रोन के संचालन के तय की गई परमिशन भी मिल जाती है। UTM टेक्नोलॉजी के एक विस्तृत दायरे में लाकर उपयोग के साथ साथ इन कड़े नियमों की शुरुआत का उद्देश्य ड्रोन उद्योग के विकास और भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। साथ ही बिना किसी झंझट के ड्रोन संचालन का आनंद लेने और संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ड्रोन ऑपरेटरों को अब अपने ड्रोन को UTM सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड करने के लिए प्रोत्साहित करना है।